अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और औषधीय पादप बोर्ड अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष शफी अहमद की उपस्थिति में युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकल झा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने युवाओं को संबोधित कर कहा कि कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। टीएस सिंहदेव ने आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को और सक्रिय करने की बात कही। इससे पहले युवक कांग्रेस का विजय जुलूस पुराना जिला कांग्रेस कार्यालय कोठे घर से शुरू हुआ। इस दौरान विजय जुलूस निकाला गया। महिला कांग्रेस की टीम ने विजेताओं का स्वागत किया। जुलूस में जिलाध्यक्ष विकल झा, विधानसभा अध्यक्ष गंगा राम पैकर सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ यूथ कांग्रेस के साथी पदभार ग्रहण करके अपने कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने बुलाया था, उस बाबत में आया। हमारे युवतियों ने, युवकों ने नई पद्धति से चुनाव में भाग लेकर जिम्मेदारियां पाई हैं। बहुत तो मेरे ख्याल से समझ भी नहीं पाए थे चुनाव के समय कि कहां कैसे एनरोलमेंट करना है। पूरा यूथ कांग्रेस जितने मतलब एक महीना के उधर मेहनत के बाद, मतलब कुल मिला के अभी तक 6 महीना मान लीजिए इसको, पहले चुनाव का तैयारी से शुरू हुआ, 1 महीना चुनाव चला और उसके बाद 2 महीना रिजल्ट आने में लग गया, रिजल्ट आया है और उसके बाद आज 10 दिन वेट करने के बाद बाबा का समय मिला और उसके बाद हम लोग यह रैली मतलब भव्य रैली का तैयारी किए थे। ये रैली मतलब पूरा यूथ कांग्रेस मतलब की जीत के जो आया है, संगठन की मजबूती को प्रदर्शित करता है।